मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख को प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं इंदौर में पूरे लाल लश्कर के साथ प्रत्याशी कलेक्टर कार्यालय अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। आज 9 तारीख की सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने कमर कस ली थी। कोई मंदिर की तरफ गया तो किसी ने रैली का रुख किया। जी हाँ, इंदौर के दिल राजवाड़ा की बात करें और इंदौर की तमाम 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला है। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे थे वो आज अल सुबह से ही तैनात और सक्रिय नजर आए। यदि हम इंदौर के जिले के प्रशासनिक संकुल की बात करें तो चूंकि आज आखिरी दिन था नामांकन दाखिल करने का, लिहाजा प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने लाव लश्कर के साथ यहाँ पर अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंचकर उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही साथ सीधे तौर पर अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया। यदि इंदौर की शहरी विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा 1 से कांग्रेस ने अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है संजय शुक्ला को, जबकि बीजेपी से मैदान में है सुदर्शन गुप्ता। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में बीजेपी से हैं रमेश मिंदोला तो कांग्रेस से हैं मोहन सेंगर। विधानसभा 3 की बात करें तो अश्विन जोशी का मुकाबला यहाँ पर बीजेपी के युवा नेता आकाश विजयवर्गीय से है, जबकि विधानसभा सीट क्रमांक 4 की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी बनाई गई हैं मालिनी गौड़ और उनका मुकाबला है कांग्रेस के प्रत्याशी सुरजीत सिंह चड्ढा से। जबकि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की बात करें तो बीजेपी से मैदान में है महेंद्र हाडिया, उनका मुकाबला है कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यनारायण पटेल से। राव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी का मुकाबला है सीधे तौर पर मधु वर्मा से। तो कहा यह जा सकता है कि आज सूरज की पहली किरण के साथ ही तमाम उम्मीदवारों ने मंदिर गए, दर्शन किए, माता पिता का आशीर्वाद लिया, किसी ने गौ सेवा की तो किसी ने यहाँ पर जनसेवा के संकल्प के साथ अपने कदम बढ़ाए। और इंदौर जिले के इसी प्रशासनिक संकुल में आकर उन्होंने अपने अपने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पर्चे दाखिल किए। देखना होगा कि ये चुनावी मुकाबला किस तरह से इसी तरह रफ्तार पकड़ता है और जनता जनार्दन यहाँ पर इस गेम शो कौन बनेगा एमएलए में अपनी भागीदारी निभाती है। फिलहाल इंदौर जिले के प्रशासनिक संकुल से कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, इंदौर।